So friends, to our channel, जिसका नाम है so दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर स्पेशली और इनफैक्ट कल का स्टॉक मार्केट यूएस का भी अगर तुम देखते हो तो थोड़ा सा एक छोटा सा डेप भी आया अब ये डेप आया क्यों क्योंकि भैया आज जो है वो एफ एम एफ ओ एम सी मीटिंग जिसमें तुम देखो वो यूएस के जो फेड है वो रेट हाइक्स के बारे में बात करते है तो वो जुलाई के मीटिंग के में जो भी डिस्कशन हुआ था ना उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आए ओके क्या डिस्कशन हुआ था और उसमें फेड क्या कह रहे हैं कि भैया देखो हम लोग तो रेट हाइक करेंगे ही ओके okay, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता तुम देखोगे तो यूके में आज दस परसेंट इन्फ्लेशन था टेन पॉइंट वन परसेंट मेरे भाई चालीस साल में पहली बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन इनफैक्ट इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है हम लोग इनफैक्ट जो है वो लोस पे जा रहे हैं जो बहुत बढ़िया है बट मेरे भाई बाकी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो जबरदस्त पेस पकड़ रहा है so, इसीलिए फेड का ऐसा कॉमेंट्री थी कि यार हम लोग देखो पॉइंट सेवेंटी फाइव बेसिस बढ़ाएंगे सितंबर में और उसी को लेके मार्केट्स जो है वो थोड़ा बहुत डाइसी रहे और साइडवेज रहे और कुछ लोगों ने इनफैक्ट प्रॉफिट भी लिए ओके okay? अब चीजें तो जो है वो देखो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ओके okay? फेड रेट हाइक करेगा ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही है बट यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए हमें प्रॉफिट्स लेने चाहिए कि नहीं कि बेटकॉइन दस हजार डॉलर जैसा लोग बोल रहे हैं काफी सारे ट्रेडर्स है काफी सारे इंस्टीट्यूशन है जो बैठे कि हम लोग दस हजार डॉलर पे बाय करेंगे तो हमें भी वही करना चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं ओके सबसे पहले बेटकॉइन देखो अभी भी एस एम के ऊपर है जब तक हम लोग ये एस नहीं तोड़ रहे हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है हम लोग सिर्फ वापस उसको टेस्ट कर रहे हैं कंफर्म कर रहे हैं कि भैया यही हमारा सपोर्ट है ओके और अगर ये कंफर्म होता है तुम तीन चार हफ्ते ऐसे ही साइडवेज क्लोज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार बेटकॉइन यहां से वापस उन्तीस तीस हजार डॉलर को टच करेगा टेस्ट भी करेगा मैंने तुम्हें कल भी बताया स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ऊपर है तो के सारे के सारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स इनफैक्ट इथियम भी तो बेटक भी उनको फॉलो करेगा ओके तो उसके अलावा देखो ये डिप जो है वो एनी कोई नया वो नहीं था फंडा हम लोगों ने ये राइजिंग वेज देखी थी हम लोगों ने ये ब्रेकआउट देखा था कल के कैंडल्स इनफैक्ट इसके ऊपर क्लोज हुए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम देखो हम लोगों ने रिटेस्ट भी किया जाके यहाँ ऑलमोस्ट ये चौबीस हजार डॉलर को और उसके बाद ये डेप आया ओके स्टिल ठीक है वहां डेप आया हम लोगों ने वहीं पे अगर तुम लोगों ने ट्रेड लिए थे देखो मेरा ट्रेड ऑलरेडी बीस हजार से ओपन है और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेने हैं इनफैक्ट जो पच्चीस परसेंट है उसमें मैं थोड़ा और एड करूंगा अगर बेटकॉइन यहाँ बाईस हजार पांच सौ डॉलर पे आता है तो ओके okay? बट यही लास्ट बेटकॉइन का स्टॉप है मेरे भाई अगर बेटकॉइन इससे नीचे जाता है तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी स्पेशली ये टू हंड्रेड जो फोर आरली पे है हम लोग ये रिटेस्ट करके भी ऊपर निकल जाए तो बहुत जबरदस्त है ओके तो क्योंकि फिर क्या होगा कि एक बढ़िया डबल बॉटम हो जाएगा और यहां से हम लोग जो है वो वापस अपनी रैली स्टार्ट कर सकते हैं ओके सो तो यही है यार देखो कारण सिंपल था लोग डरे हुए हैं बट मैं वही कह रहा हूं जब दुनिया डरी हुई होती है तब ही परफेक्ट साइन होता है चीजें बाय करने का ओके और ये डिप सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं स्टॉक मार्केट में हर जगह आया है और अगेन बार बार मैं वही कह रहा हूं हम लोग जब टॉप पे थे ना तब भी कोई ऐसा नहीं था जो बोल रहा था कि यार देखो हम लोग टॉप पे है और यहाँ से हम लोग नीचे जाने वाले ओके अगर तुम लोगों को याद हो कोई भी ऐसा नहीं था हम लोग साठ पे थे साठ से सत्तर पे गए सत्तर से सब लोग सौ का वेट कर रहे थे ओके और अभी भी वैसा ही हो रहा है हम लोग 30 से बीस पे गिरे अब बीस से गिरने बीस पे गिरने के बाद सब लोग दस का वेट कर रहे कोई तो ये नहीं बोलेगा कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जा रहा है तो मैं वही कहूंगा जो गलती टॉप पे करी वो गलती बॉटम में बिल्कुल भी मत करना ओके आर एस आई ओवर सोल्ड है बिटकॉइन ओवर सोल्ड है स्टॉक मार्केट एथीरियम सब कुछ मूव कर रहे हैं तो यार बिटकॉइन की बारी भी आनी है ओके तो उसके अलावा अगर तुम देखते हो तो क्यूबेक का जो पेंशन फंड था ना यार उसने अपना पूरा पैसा सेल्सियस में गवा लिया सो तुम देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई आ, अपना ये लूना बर्बाद हुआ थ्री एरो कैपिटल बर्बाद हुआ वॉयजर बर्बाद हुआ सेल्सियस बर्बाद हुआ इलोन मस्क ने या टेस्ला ने अपने बेटकॉइंस बेचे उसके बाद भी बेटकॉइन यहाँ खड़ा है ओके okay. उसके बाद भी तेईस हजार मतलब तेईस हजार के ऊपर हम लोग है बीस हजार के सपोर्ट को टेस्ट करके तो so यहाँ सेलिंग प्रेशर है ही नहीं मतलब तुम देखो चाहे लोग कुछ भी बोले कि यार यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे या ये होगा सिंपल है यार ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं बॉटम बाय करते हैं टॉप सेल कर देते हैं उनको पता पच्चीस हजार रेजिस्टेंस है बेच वही हुआ अब जब बेच दिया है तो सपोर्ट पे वापस बाय करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे वो रेजिस्टेंस ब्रेक होनी ही है ओके उसके अलावा इलॉन मस्क मजाक करते रहते हैं उन्होंने एक नया जोक ट्विटर पे मारा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय कर रहे हैं जिसके चक्कर में ये मेन्यू टोकन जो था मेरे भाई लोगों ने वो बेच बेच के जबरदस्त मतलब खरीद के सॉरी उसमें जबरदस्त रैली लेके आए भैया जिसने वो टोकन बनाया था उसकी तो चांदी हो गई तीन हजार परसेंट के गेंद से मिल गए बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना ओके कोई कुछ भी बोले जब तक तुम खुद रिसर्च ना करो जब तक तुम खुद ना समझो कि वो प्रोजेक्ट क्या है उसे कभी भी बाय मत करना क्योंकि देखो पैसा तुम्हारा है ओके रिसर्च भी तुम्हारी होनी चाहिए और डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए किसी के कुछ भी ट्वीट करने पे कभी बाय सेल मत करो ओके अब ये तो बात हुई देखो बेटक की बाकी अगर तुम ओवरऑल मार्केट देखते हो तो कहा गया हमारा कॉइन मार्केट क्या है तो ओवरऑल मार्केट अगर देखते हो तो 1.11 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो मार्केट नीचे है बेटकॉइन भी सेम उतना ही इथेरियम भी कुछ टोकन की सॉलिड आज फिर सेल्सियस ऊपर है तो ये अलग ही लेवल की बात है मेरे भाई आठ परसेंट ऊपर है इनफैक्ट आज हम लोग EOS की बात करने वाले हैं ओके कुछ टोकन्स थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ टोकन्स की जिनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है उसमें जीएमटी गाला खब आवे आवे बहुत सही है यार सौ डॉलर के पास ये परफेक्ट टोकन है टू बाय ओके सो वही है यार मैं तुम्हें वही कहूंगा देखो डिप में या फिर क्रैश में थोड़ा थोड़ा करके बाय करो क्योंकि तुम्हें ऐसे प्राइजेस वापस नहीं मिलेंगे ओके okay, और जब प्रॉफिट्स लेने हैं तो इस बार हम लोग अच्छे से प्रॉफिट्स लेंगे कहाँ लेने हैं मैं तुम्हें बताता रहूंगा तुम सिर्फ वीडियोस देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो ओके okay? अब बात करते हैं इोस की ओके okay? ईयस आज आठ परसेंट ऊपर है ओके okay? और EOS का अगर हम लोग चार्ट देखे तो मेरे भाई कहा गया वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हुँ. सो so, हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था मुझे हमेशा लगा था कि दो डॉलर जो है वो इथेरियम का बॉटम सॉरी का बॉटम होना चाहिए बट वैसा नहीं हुआ और जो है वहां से अच्छा खासा पेटा और वापस नीचे गिरा ओके तो अब इसकी वजह इनके जो सीईओ थे वो छोड़ के चले गए ओके तो उसके बाद अब जो है वो एक और बंदा है अभी वो भी थोड़ा जबरदस्त है तो रोज नाम है उनका सो अगर तुम देखोगे तो ये ये डिफिकल्ट नाम है भैया लारोस जो भी है सब इन्होंने जो है वो कमांड संभाली है इोस की और इन में जो है वो लगातार अब डेवलपमेंट शुरू हुए हैं इनफैक्ट यहाँ पे EOS का जो है वो एक हार्ड फोक बनाया जा रहा है इोस और ये ब्लॉक से अलग हो रहे हैं ओके okay? और उसके बाद ये लोग जो है अब लोगों को बुला रहे हैं कि आओ भैया हमारे चेन यूज करो उसके ऊपर तुम Uh, अपने एप्लीकेशन लॉन्च करो सो so, देखो प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा है सो so, इसीलिए अगर तुम देखोगे तो योस ऑलमोस्ट एट्टी वन सेंट से जो है वो डेढ़ डॉलर तक गया वहां रिजेक्ट हुआ अभी रिजेक्ट क्यों हुआ बहुत सिंपल स्टोरी है ओके okay? लेकिन देखो कंसोलिडेशन होनी चाहिए यहां अब एनी अगर बिटकॉइन रिवर्स होगा तो ये भी एट द एंड ऑफ द डे होने ही वाला है ओके तो, okay? सो so, यहाँ थोड़ी कंसोलिडेशन चाहिए उसके नीचे इस डिब्बे में वापस एंट्री मारनी है और जैसे ही 1.8 पॉइंट डॉलर पे ये आता है ओके तो अभी फिलहाल मैं ट्रेड लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा इसमें बाय करके तुम स्टेक कर रहे हो मेक सेंस तुम नहीं स्टेक करने वाले हो तुम्हें ट्रेड लेना है देखो मेरे लिए मुझे पता है मैंने ये प्रोजेक्ट कुछ दो चार डॉलर्स में बाय किया था इक्कीस बाईस डॉलर तक गया ये अच्छा यहाँ नहीं दिखा रहा है बट ये इक्कीस बाईस डॉलर तक टू पॉइंट पे गया था ओके okay? और वहां से तुम मेरे को करेक्ट होके वापस कहाँ आ गया सो so, मैंने प्रॉफिट नहीं लिए मैंने गलती की बट इस बार हम लोग वो गलती नहीं करेंगे और यहाँ जो है वो एवरेज आउट किया मैंने ओके okay? और मैं वही वेट करूंगा कि वापस ब्लॉक में आए आने के बाद जो है ये सात आठ डॉलर को टेस्ट करे वहां पे जो है मैं अपने आधे बेच के निकल जाऊंगा ओके okay? सिंपल सी बात है क्योंकि दो डॉलर्स पे मैंने बाय किया था अब जो मेरी बाइंग है वो एक डॉलर के अराउंड है तो डेढ़ डॉलर की मेरी बाइंग है जो करंट प्राइस पे है तो अगर ये सात डॉलर तक भी जाता है तो तुम्हें भी मैं वही कहूंगा देखो यार थोड़े थोड़े जो अच्छे तुम्हें उठाने चाहिए तो यहाँ पे तुम्हारा पैसा जो है वो साढ़े तीन गुना हो जाएगा वो होता है तो आधे जो है वो बेच के निकाल दो और डेढ़ डॉलर के ऊपर जो बाइंग है वो वहीं रहने दो कि इन केस अगर ये वापस बीस इक्कीस बाईस डॉलर तक जाता है तो तुम वहां प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो ओके okay? क्योंकि मैंने तुम्हें वही कहा हमेशा दूसरा मौका मिलता ही है तो वो भी एक अच्छी बात है पर मैं आपको वो बता के रखता और रिसर्च करता हूँ बट ट्रेड के परस्पेक्टिव से मैं वही कहूंगा कि वेट करो कि एक डेढ़ डॉलर अपना 1.8 को ब्रेक करे रीटेस्ट करे वहां पे एक अच्छा जोन होगा बाइंग ऑपरचुनिटी के लिए okay? अदरवाइज प्रोजेक्ट अच्छा था पहले भी फिर जब सीओ ने छोड़ा तो बैंड बजी अब ये नए हैं तो देखते हैं कि कैसा जाता है बट रिस्क फ्री ट्रेड है यार मुझे नहीं लगता कि यहां यहाँ से वापस नीचे गिरने वाला है और ओके तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों थैंक यू सो मच